दुर्ग के घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन के साथ शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष दिग्विजय सिंह गुप्ता का जन्मदिन भी मनाया गया। दुर्ग के आर्य नगर स्थित घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एलबी वर्मा, अधिवक्ता एवं समाज सेवी दयानंद शिक्षा समिति की उपाध्यक्ष आभा रानी गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष दिग्विजय सिंह गुप्ता, विधिक सलाहकार नागेंद्र शर्मा, प्रशांत अग्रवाल, संजय ताम्रकर सहित महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मृदुला वर्मा, नीतू सिंह, धर्मपाल सिंह, आर्य पब्लिक स्कूल की प्राचार्य आलिया खान सहित समस्त संकाय के विभाग अध्यक्ष और प्राध्यापक और कर्मचारीगण शामिल रहे। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजा के साथ किया गया। वहीं आए हुए अतिथियों ने शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आमंत्रित मीडिया प्रभारियों को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने जो हमारे बच्चे और टीचर्स के लिए इतनी बड़ी घोषणा की है, उसके लिए सहृदय धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। धन्यवाद। नारायण साहू जी, कार्तिक गज। अतिथियों ने गुरु के महत्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानकारियां दी और विशिष्ट अतिथि एलबी वर्मा के द्वारा महाविद्यालय को उपहार के रूप में घोषणा की गई। आने वाले समय में शैक्षणिक भ्रमण हेतु छात्राओं व शिक्षकों को बस सुविधा उनके द्वारा प्रदान की जाएगी। साथ ही दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल के द्वारा महाविद्यालय परिसर हेतु 10 हैलोजन लाइट प्रदान करने की घोषणा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में महाविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष दिग्विजय सिंह गुप्ता का जन्मदिवस भी मनाया गया। तत्पश्चात महाविद्यालय के तृतीय व चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया गया। घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय में एक पेड़ माँ के नाम का अभियान को भी अंजाम दिया गया और पौधारोपण किया गया। इस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय में आज सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का शिक्षक दिवस जिस रूप में, जैसे उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, तमिलनाडु के तिरुमली गाँव में हुआ था, उनका नाम जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली का अर्थ ये था कि उनके पैतृक गांव का नाम सर्वपल्ली था, जो नैनोर जिला में मौजूद है। तो उसी के आधार पर डॉक्टर राधा कृष्णन जी के पास जब शिष्य लोग गए और शिष्यों ने आह्वान किया कि भाई आप राष्ट्रपति हो गए हैं, हम जो है अब आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर जन्मदिन मनाना है तो 5 सितंबर को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, ताकि शिक्षक लोगों को याद किया जा सके और शिक्षक जो है इस देश के मार्गदर्शन प्रदान करने में उनका प्रमुख दायित्व होता है। तो इसलिए जो है इस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया, तो वो शिक्षक दिवस जो है आज घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय में मनाया। यहाँ पे शिक्षक दिवस के दिवस वाले दिन जितने भी हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। इसलिए उन सबको सम्मिलित करके हम लोगों ने सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, जो कि हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति, उनका जन्मदिन समारोह मनाया गया है। शिक्षक दिवस था तो उसको लेकर कुछ विशेष आयोजन भी किया गया यहाँ पर, किस तरह से देखते हैं आयोजन? विशेष आयोजन इस तरह से किया गया है कि सारे लोगों ने मिलके सम्मिलित होकर खुशी मनाई है, और साथ ही साथ यहाँ पर यहाँ के अध्यक्ष महोदय का भी बर्थडे रहता है, उनको भी साथ में सेलिब्रेट किया गया है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।